एक्स्ट्रा टाइम आए हैं। तो बाबर आजम का पिछले 1.5-2 साल से बड़ा चर्चा है। लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में उन्होंने एडमास्टर में न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी वाली इनिंग्स के लिए बहुत कम ऐसी क्लासिक वनडे में बैट्समैन खेलते हैं। तो रिसेंट टाइम्स में लोग कभी बाबर आजम को विराट कोहली से मिला रहे हैं, कभी स्टीव स्मिथ से मिला रहे हैं, कभी उनका मवाजना पाकिस्तान के फास्ट के बैट्समैनों से करते हैं। तो एज ए बैटिंग कोच आपने बाबर आजम को क्या बताया कि इस दौरे में कितनी जिम्मेदारी उन पर? कंपैरिजन की बात देखें, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। मैं खुद जब आया था तो आपके सामने था, जब मैं एक आदि मैच मैंने परफॉर्म किया तो मुझे द ग्रेट इंजमामुल हक से कंपेयर किया गया और कहा गया जी कि यूनुस खान आ गए हैं, अब हो सकता है कि हमें इंजमाम की जरूरत ना पड़े, हो सकता है कि हमें एजाज अहमद की जरूरत ना पड़े, हो सकता है कि हमें उस वक्त के जो प्लेयर थे हमें इसकी जरूरत ना पड़े। और मैंने उस वक्त भी ये बात की, दो कि मैं बहुत यंग था, मैंने उस वक्त भी बात ये की थी कि कंपेरिजन नहीं होना चाहिए। इसी तरह हुआ जब सुहेल तनवीर आए तो उनको हमने कंपेयर किया जी ग्रेट वसीम अकरम के साथ, तो बहुत जल्दी ये कंपेरिजन होती है हमारी। मेरे ख्याल से ये एडिशनल प्रेशर भी प्लेयर्स पर डालता है। अगर हम इन प्लेयर्स को करने दिया जाए, इनकी अचीवमेंट करनी जाए, तो मेरे ख्याल से थोड़ा ये प्रेशर और हम कम कर सकें। दो के हमें कोई ना कुछ ना कुछ चाहिए होता है मीडिया के लिए, कोई सब चाहिए होते हैं, लेकिन ये कि प्लेयर उससे हो सकता है कि प्लेयर अंडर प्रेशर है। लेकिन मेरे ख्याल से जो बाबर आजम की क्लास है वो उसकी अपनी एक क्लास है और आई होप कि मैं उस क्लास को और आगे लेके जाऊँ। Hit the subscribe option and the bell icon to get all the exclusive sports videos on Extra Time.